हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आरआर की ग्रुप डी की पोस्टिंग के लिए जो एग्जाम कराया था, जो उन्होंने सभी जोन्स के एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब इस संबंध में जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो ये है कि उनकी आंसर की आए और उनका रिजल्ट आए। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं, सभी जोन्स ने ये बोल दिया है कि उनकी जो आंसर की है वो लगभग 10 से 12 जनवरी तक आ जाएगी। 10 से 12 जनवरी तक ये आंसर की आने की संभावना है। और उसके बाद मैं बता दूं, ये आंसर की पर ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा और ऑब्जेक्शन की जो लास्ट डेट दी जा सकती है लगभग 20 जनवरी तक ही आपको लास्ट डेट दी जा सकती है, जिससे आप अपनी आंसर की पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। यानी जो जोन्स ने आंसर आपको बताए हैं, उस आंसर में अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया है, बोर्ड ने गलत दिया है। आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और संभावना ये लगाई जा रही है कि 30 जनवरी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसा न्यूज से मिल रहा है। न्यूज से जैसा मिल रहा है, 30 जनवरी तक या उससे आसपास में डेट में इसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। और जस्ट उसके बाद आपकी फीस रिटर्न प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो आपने फीस को अपना फॉर्म भरते टाइम जमा की होगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं एएलपी की फीस रिटर्न स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब जो प्रक्रिया है वो ये है कि आंसर की कब आएगी, तो लगभग 10-12 जनवरी तक आंसर की आ जाएगी। 20 जनवरी तक माना जा रहा है ऑब्जेक्शन मांगा जाए, वो 30 जनवरी उससे हो सकता है आगे या पीछे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और जस्ट उसके बाद में होगा कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, अगर आपकी इसकी प्रक्रिया आपको नहीं मालूम है तो आप कहीं ना कहीं इसमें फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्या हो सकता है उसके बारे में सर आपको डिस्कस करेंगे। सुनिएगा सर से पूरा मेडिकल और फिजिकल के बारे में। विशेष तक जो वीडियो है ये है मेडिकल के लिए, तो आप अपने मेडिकल को ध्यान से सुनिए। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जो शरीर के कौन कौन से भाग आपके चेक होंगे और किस तरीके से आपके चेक होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के लिए आपकी जो सिलेक्शन होना है वो लगभग 2 गुना बच्चों का होना है और 50% जो आपकी सीटें हैं वो आपको पेंडिंग में डाले जाएंगे वेटिंग के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना विद्यार्थियों में आपका चयन होना है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि लगभग 1,80,000 विद्यार्थियों का जो है चुनाव आपके लिए होना है। और उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट की मैं समझता हूँ ज्यादातर बच्चों को जानकारी हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसके विषय में भी हम एक वीडियो आपको बना देंगे। ज्यादातर आपके कमेंट आ रहे थे सर मेडिकल को देकर, किस तरीके की मेडिकल प्रक्रिया आपकी ग्रुप डी में अपनाई जाती है, तो हम वो आपको बता रहे हैं डिटेल के साथ। देखिए, कौन कौन से आपके पार्ट चेक होंगे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। लिंग जांच होगी आपकी, बवासीर की जांच होगी, पेशाब टेस्ट होगा, खून टेस्ट होगा, एक्सरे टेस्ट होगा, आंख टेस्ट होगी और दांत टेस्ट होगी और हड्डियां भी आपकी चेक होगी। किस तरीके से चेक होगी अब हम आपको बता रहे हैं डिटेल वाइज। यू और सी वन कैटेगरी का आपका मेडिकल टेस्ट होता है ग्रुप डी के लिए। ज्यादातर पोस्टों के लिए होता है A1 और B1 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट। कुछ मुख्य रिपोर्ट जो आपकी मेडिकल से संबंधित होती है, सफाई वाला या झाड़ू वाले से संबंधित होती है, उनके लिए होता है B2 और C1 कैटेगरी का मेडिकल टेस्ट। ये दोनों मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके नॉर्मल, इनमें इस तरीके की जो आपके भुगतानों की जांच नहीं होती है। लेकिन इन कैटेगरी के जो इन पोस्टों के लिए ज्यादातर पोस्टें हैं इन्हीं दोनों मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत आती है, 90% आपकी पोस्ट, तो उनके लिए सब परीक्षण होता है। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप ध्यान से सुन लेना। आपकी होती है लिंग की जाँच, तो लिंग की जाँच में आपका जो है लिंग चेक किया जाएगा और आपके दोनों अंडकोश आपके चेक किए जाएंगे। दूसरी बात आती है आपकी बवासीर। देखिए, लेजर लाइट मारकर आपके जो अंग है वहां पर चेक किया जाएगा कि आपको बवासीर है या नहीं है। अगर आपको बवासीर है तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा इन दो पोस्टों के लिए, बाकी इनके लिए आप जो है योग्य माने जाओगे। तो इनका जो परीक्षण है, इनके मानक है, वो आपको पूरे करने होंगे। तीसरी बात करते हैं हम पेशाब के टेस्ट की। तो पेशाब का आपका टेस्ट किया जाएगा, एक बोतल वगैरह में आपको पेशाब दिया जाएगा, तो उसकी आपकी जांच की जाएगी। ये टेस्ट इसलिए अहम हो जाता है कि आपकी आपको जो है गुर्दे वगैरह की आपकी बीमारी ना हो, आपकी पथरी वगैरह ना हो या कोई गंभीर बीमारी इस तरीके की ना हो, तो उसके लिए होता है आपका पेशाब का टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका खून का। तो खून भी आपका चेक किया जाता है ताकि आपको कुछ गंभीर रोग और अनुवांशिक रोग का इससे पता चल जाता है, तो उसके लिए आपका जो है खून का टेस्ट भी किया जाता है। एक्सरे का जो टेस्ट होता है वो आपका होता है केवल छाती के लिए। छाती का आपके एक्स्ट्रा लिया जाता है अगर आपकी छाती की जो है हड्डियां सुरक्षित है या नहीं है, तो उसके लिए लिया जाता है आपका एक्स्ट्रा। आंखों की अगर मैं बात की जाऊं तो आंखों के लिए A1 और B1 कैटेगरी के लिए आपका अलग अलग टेस्ट है।
देखिए A1 के लिए 6x6 बिना चश्मे के आपकी होनी चाहिए दोनों आंखों से, और B1 कैटेगरी के लिए आपकी 6x9 होनी चाहिए बिना चश्मे के। यहाँ ये जो दो मेडिकल पोस्ट हैं इनके लिए आपका चश्मा भी अलाउ है, और आपकी जो आंखों की क्षमता है चश्मे लगाने के बाद या बिना चश्मे के भी 6x12 तक आपका नंबर चल जाता है। तो वो आंखों की एक बीमारी तो आपकी ये क्लियर हो चुकी होगी, ये टेस्ट आपका होगा सादा। दूसरा जो आपका टेस्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो ब्लाइंडनेस में आपका जो होता है परीक्षण होता है, आपको कुछ अक्षर या कुछ इस तरीके के जो तथ्य हैं वो पढ़वाए जाते हैं जो आपको रंगों के भेद करने में मुख्य रूप से परेशानी आती है, जिन्हें ये बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस की। कलर विजन भी हम इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। तो ये एक अनुवांशिक रोग है, ये रोग जो है इसका कोई उपाय भी नहीं होता। तो दोस्तों जिन्हें भी ये रोग है वो किसी भी कोर्स में या रेलवे में भर्ती नहीं हो सकते, इन कोर्सों के लिए ग्रुप डी के लिए और आरपीएफ के लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट होगा, उसमें कुछ अक्षर आपसे पढ़वाए जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस के जो रोगी होते हैं उन्हें लाल और हरे रंग भेद करने में काफी दिक्कत होती है। बात करते हैं आपकी दांतों की। तो दांतों की देखिए नॉर्मल बात है कि आपके साधारण तरीके से दांत जो है आपके 14 दांत ऊपर वाले और 7 दांत ऊपर वाले और 7 दांत नीचे वाले आपके सुरक्षित होने चाहिए। बाकी अगर आपकी जाड़ खराब है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपके कितने भी दांत आपके खराब है। अगली बात करते हैं हम हड्डियों की। तो हड्डियां साधारण रूप से आपकी चेक की जाती है, सभी हड्डियां आपकी हाथों की पैरों की और घुटनों की हड्डियां मुख्य रूप से चेक की जाती है, कहीं आपका जो है घुटना टूटा हुआ तो नहीं है, आपकी कोहनी टूटी हुई तो नहीं है, आपके कंधे वगैरह सभी हड्डियां आपकी एक एंगल के द्वारा चेक की जाती है। उनके पास कुछ पैरामीटर होते हैं, उनके द्वारा आपकी हड्डियों की जांच की जाती है। नेक्स्ट पोस्ट हम आपको बता दें तो मुख्य रूप से सभी जानते भी होंगे कि आपके जो शारीरिक भाग हैं वो कटे नहीं होने चाहिए, आपका हाथ कटा हुआ, आपकी उंगली वगैरह कटी हुई कुछ पोस्टों के लिए। लेकिन कुछ पोस्टों में जैसे B1 और C1 कैटेगरी के लिए है, विकलांगों की भी वैकेंसी है, तो वहां पर वो लोग भी अप्लाई हैं और योग्य भी हैं। लेकिन ज्यादातर पोस्टों के लिए, लगभग 95 पोस्टों के लिए जो है विकलांग विद्यार्थी जो है जिनके शारीरिक अंगों में कहीं ना कहीं त्रुटि है, अर्थात उंगलियां वगैरह या हाथ वगैरह कटे हुए हैं या किस तरीके की कोई गंभीर चोट है, तो वो लोग इसके लिए योग्य नहीं होंगे। तो A1 और B1 कैटेगरी की मेडिकल की सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए इसके संबंध में या इसके संबंध में, क्योंकि बच्चे हिचकिचाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको वहां पूर्ण रूप से सही उत्तर आपको देंगे कि किस तरीके की आपकी जो भी आप। तो देखिए दोस्तों ये सभी परीक्षण हमने आपको बताए हैं, और इसके अलावा जो आपकी जांच होती है वो होती है आपके पैरों की एक जांच मुख्य रूप से आपकी होती है। तो पैर आपके जो है सपाट पैर नहीं होने चाहिए, सपाट पैर को हम बोलते हैं कि आपके जो पैर है वो फ्लैट फुट ना हो, अर्थात आपके जो पैरों के अंदर है बीच में एक थोड़ा सा आपका गड्ढा टाइप का होता है, वो सभी के होना अनिवार्य है। अगर किसी के पैर बिल्कुल फ्लैट है तो वो भी इन पोस्टों के लिए A1 और B1 कैटेगरी के मेडिकल के लिए अनफिट माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा मेडिकल प्रारूप अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी दोस्त को किसी भी परीक्षण में या इस परीक्षण में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका पूर्ण उत्तर देंगे जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आपकी आंसर की आने ही वाली है, 15 से 20 जनवरी तक आपकी आंसर की है जो है ऑब्जेक्शन भी पूरे हो जाएंगे, और 30 जनवरी तक जहाँ तक है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्शन ज्यादा ना हुए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 जनवरी तक, और आपकी जो चुनाव होना है वो लगभग 1,25,000 बच्चे डायरेक्ट चुने जाएंगे, और लगभग 60,000 बच्चे जो है जो रिजर्व वैकेंसी के लिए रखे जाएंगे। अगर 1,25,000 की जो है मेडिकल या फिजिकल में पूर्ति नहीं होती है तो फिर उन बच्चों को उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल और मेडिकल के लिए। तो दोस्तों ये तो थी संपूर्ण जानकारी आरआरबी ग्रुप डी को लेकर, रिजल्ट को लेकर, मेडिकल को लेकर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और जो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।